हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड माय नेम इज विकास हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से हम एंड्रॉइड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जी मेल एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर पे जहां पर आपको होम ऑल कोर्सेज माई कोर्सेज डाउट का सेक्शन मिलेगा हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पी मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसकी पी के साथ ही साथ हम आपको क्विज़ भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पी को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज़ भी अटैम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पर डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे नेक्स्ट हम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर sure करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटैम्प्ट कर सकें हम डेली बेसिस पे आपको पी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं नॉट जस्ट दिस अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की अर्निंग हो सके नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कॉन्टेंट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न किस तरीके का सिलेबस आता है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिल सके इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स गवर्नमेंट स्कीम्स इंटरनेशनल अफेयर्स विजिट्स बैंकिंग एंड फाइनेंस इकोनॉमी से रिलेटेड स्पोर्ट्स डिफेंस कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके सो फ्रेंड्स डू चेक आर एप्लीकेशन इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे मंथली बेसिस पे वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज़ वेल एज़ आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हेलो एवरी वन तो आज की वीडियो में तेईस मार्च के हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे काफी हेल्पफुल सेशन रहेगा आप सभी के लिए तो एंड तक बने रहिएगा चलिए स्टार्ट करें सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है अभी किस ऑर्गेनाइजेशन को मिनी रत्ना कैटेगरी वन स्टेटस ग्रेड किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर तो वो रहेगी ग्रिड इंडिया ग्रिड इंडिया क्या है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड राइट इसको अभी मिनी रत्ना कैटेगरी वन सी ये आपको डेजिग्नेट किया गया राइट right? ग्रेड इंडिया को ही हम पहले जानते थे पशोको के नाम से राइट पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ग्रेड इंडिया को 2009 में स्टेब्लिश किया गया था एंड इट ओवरसीज द सीमलेस ऑपरेशन ऑफ इंडियन पावर सिस्टम ठीक है ये मैनेज करती है ऑल इंडिया सिंक्रनस ग्रिड को जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पावर सिस्टम ग्रिड रहती है राइट right? फिर इसी के साथ साथ अगर हम देखें जो मिनी रत्ना सिस्टम होता है जो नवरत्न स्टेटस होता है वो किसको दिया जाता है तो मिनी रत्ना कैटेगरी वन एंड शेड्यूल ए सी पी एस विच हैव ऑप्टेंड एक्सीलेंट और वेरी गुड रेटिंग अंडर एमओयू सिस्टम इन थ्री ऑफ द लास्ट फाइव ईयर्स हैव कंपोजिट स्कोर ऑफ सिक्सटी और अबव इन द सिक्स सेलेक्टेड परफॉर्मेंस पैरामीटर्स नेमली नेट प्रॉफिट टू नेटवर्क मैन पावर कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर्विसेज प्रॉफिट बिफोर डेप्रिशिएशन एंड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स टर्न एंड अर्निंग पर शेयर फिर आ जाता है कैटेगरी क्राइटेरिया फॉर महारत्ना स्टेटस एक पहला कि दे मस्ट होल्ड एर नवरत्ना स्टेटस वो कंपनी आपकी लिस्टेड होनी चाहिए इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे विद मिनिमम प्रिस्क्राइब पब्लिक शेयर होल्डिंग मतलब एक फिक्स नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ पब्लिक शेयर होल्डिंग चाहिए एज पर से भी रेगुलेशन एवरेज टर्न ओवर होना चाहिए ऑफ मोर देन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड करो ड्यूरिंग द लास्ट थ्री ईयर्स एंड एवरेज नेट वर्थ ऑफ मोर देन फिफ्टीन थाउजेंड करोड़ रुपीज ड्यूरिंग द लास्ट थ्री ईयर एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ मोर देन फाइव थाउजेंड करोड़ रुपीज ड्यूरिंग द लास्ट थ्री ईयर्स ये कैटेगरीज फिक्स होंगी ये कैटेगरीज मैट होंगी ये क्राइटेरियाज मैट होंगे तो आपकी वो कंपनी महारत्ना स्टेटस अचीव कर लेगी

ट्वेंटी सिक्स ताकि आपका ये हाइड्रोजन का जो हब है वो सेटअप किया जा सके राइट ये क्या होगा एक एडिशनल फ्यूल हमें प्रोवाइड कराएगा ताकि हम यूज़ कर सकें जो कि क्लीन फ्यूल होगा एंड इस पर हमें कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होगा राइट right. फिर यहीं पे अगर मैं बात करूं ये जो सारा काम किया जाएगा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर किया जाएगा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करें तो जैन 2023 में इसको लॉन्च किया गया था इस मिशन को एंड मेन एम क्या रहेगा इसका कि ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ाना है राइट right? ताकि उसका यूजेज बढ़ सके एंड जो पॉल्यूशन है वो हम कहीं ना कहीं कम कर सकें इस फ्यूल के यूज से नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाती है फिर सी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया राइट right, इन्होंने अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया किस आईआईटी के साथ फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे पहले तो डेविन न्यूज में आजकल इसी के बारे में देख लेते हैं डेविन क्या है ये एक डेवलपर है सॉफ्ट ए सॉफ्टवेयर डेवलपर इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया कॉग्निशन लैब्स के द्वारा शन लैब्स के द्वारा इसको सेटअप किया गया था एंड इनका इसका एम क्या रहेगा ये आपके प्रॉम्प्ट से ही जनरल इंग्लिश प्रॉम्प्ट से आपको पूरा सॉफ्टवेयर बना के दे देगा सारा एरर कंट्रोल भी ये खुद करेगा डॉक्यूमेंटेशन भी ये खुद करेगा कोई भी एरर आता है तो खुद खुद ही उसको रिजॉल्व करेगा कोड भी ये सारा खुद लिखेगा तो ये एंड टू एंड बिल्कुल मतलब स्टार्ट से लेकर एंड तक जो भी काम होता है एक डेवलपर के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए ये वो खुद करके देगा आपको राइट तो किसने सी एजी साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद फॉर एआई तो ए आई पे काम करने बैक टू क्वेश्चन आ जाए तो आई दिल्ली के साथ सीएजी ने यहां पे एमओयू साइन किया ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं अभी बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर तो आरबीआई ने इशू किया ओमनी फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्नाइजिंग एस फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे कुछ जो हाईलाइटेड्स हैं हाईलाइट्स हैं ऑफ़ दिस फ्रेमवर्क जो रिलीज की गई एस बी के द्वारा उसकी बात करें तो जैसे एस हैव टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू आर विद इन थ्री मंथ्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ द अकाउंटिंग ईयर जो एस होंगे राइट दे विल हैव टू बी दे विल बी रिस्ट्रक्चर्ड और दे विल बी स्ट्रक्चर्ड एज ए नॉट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी अंडर द सेक्शन एट ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 थाउजेंड थर्टीन एंड उनको पीरियोडिक एंड एडॉक रिटर्न अपने सबमिट करने पड़ेंगे एज पर द आर बी आई जैसे प्रिस्क्राइब करेगी अगर आर बी आई चाहे तो उनके बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकती है एंड अरेंज कर सकती है किसी भी थर्ड पार्टी ऑडिट फॉर्म को कि उनके बुक्स को इंस्पेक्ट किया जाए एंड अगर आर बी आई चाहे तो वो रिवोक कर सकती है रिकॉग्निशन ग्रांटेड टू एन एस आर ओ इफ जो वे वो काम कर रही है वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं आता है तो ठीक है नेक्स्ट विच बैंक अनाउंस टू फिफ्टी मिलियन डॉलर लैंडिंग सपोर्ट फॉर द स्टार्टअप एंड न्यू इकोनॉमिक कंपनीज तो अभी रिसेंटली डी बी एस बैंक ने राइट right, इन्होंने अनाउंस किया टू फिफ्टी मिलियन डॉलर का एक लैंडिंग सपोर्ट फॉर स्टार्टअप एंड न्यू इकोनॉमिक कंपनीज़ बिजनेसिस को ग्रो करने के लिए उनकी जो फाइनेंस की नीड्स हैं उनको मैट करने के लिए राइट right, क्रेडिट फाइनेंसिंग के लिए उनको डिजिटल एक्सपर्टीज लाने के लिए राइट इको सिस्टम प्रोवाइड कराने के लिए अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग स्टेट्स में कनेक्शंस प्रोवाइड कराने के लिए राइट right? उनके लॉजिस्टिक्स को मैनेज करने के लिए तो बेसिकली बोले तो प्रॉपर उनके स्टार्टअप को उनकी न्यू कंपनीज जो हैं उनको बेसिक से अगर हम ग्रो करेंगे तो जो भी वो चैलेंजेस फेस करेंगे उनको हेल्प करने के लिए यहाँ पे टू फिफ्टी मिलियन डॉलर का ये तो फाइनेंसिंग के लिए हो गया दो सौ पचास मिलियन डॉलर का लैंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की गई किसके द्वारा डी बैंक के द्वारा डी बैंक की बात करें तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे वो हैं सुरोजित शोम हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में रहेगा 1994 में इसको एस्टैब्लिश करा गया नाउ फ्रेंड्स रिसेंटली योर एसबीआई क्लर्क मेन एग्जाम वाज हेल्ड वी हैव कलेक्टेड सम स्टैट्स ओवर इट एंड लेट मी शो यू व्हाई आई से अफेयर्स क्लाउड इज वन ऑफ द बेस्ट टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स for the first shift and second shift there were 46 and 43 questions collected respectively for 5th of 25th of feb right here we will be seeing that 41 questions and 38 questions respectively were covered by us in our course that we provide you 27 and 23 questions respectively were covered in the applications quiz that i ask you to do on daily basis in your mobile application then 22 and 19 questions were from the pocket pdf that is provided to you in our course and 17 and 17 questions respectively were from the monthly exam pdf that we do and also from the video of monthly and weekly that we are doing on YouTube channel. So that is the reason I say that we are the one stop solution for general awareness and current affairs that helps you in your preparation. Similarly, here you can see for the in depth questions that are deeply asked, 19 questions and 24 questions were respectively covered. For in depth questions, and number of in depth covers were 15 and 21 respectively. Then the total covered in our applications were 9 and 10, apart from the one that we just saw. So highly important so that is the reason i ask you that you should definitely take our course because they will be very beneficial in your preparation on daily basis we provide you daily scoop pdf daily current affair quiz daily current affair and question answers p quiz right apart from this pdf we also teach you on youtube channel that is very beneficial in your learning for revision perspective also similarly for weekly top 60 quiz CA content in PDF and weekly overall question and answer PDF is also provided to you and similarly for monthly also top 100 question and answer PDF is provided to you in our mobile application monthly current affairs pocket PDF monthly current affairs study PDF exam exam PDF and various banking and economy related questions PDF is also provided on monthly basis on our application and for that you have to look at our course that we just mentioned then, if we look at some of the month-wise stats, like on monthly basis, what are the questions that were asked, and we have covered those questions. So the total number of questions were 38 and 35 respectively for 25th of Feb for shift one and shift two. And here we can see that for fifth uh, for Feb month of 24, two questions and four questions were asked. From the Jan month, 16 and 18 questions respectively were asked. From December, five and two questions were asked. And for September to November, we saw that eight and five questions were asked respectively. And from Jan to August 2023, that is for the last year, we saw seven and six questions were covered. And let me tell you, friends, all these questions were covered by us either on our mobile application or on our YouTube channel, where we provide you a detailed analysis of all the questions, all the content that is happening all around the world not just this if we focus on static banking and gk stats the total question asked were 8 and 8 respectively for first and second shift static banking question asked were 5 and 7 static banking question answers that were covered by us were 5 and 6 respectively just a question short for the second shift right but we'll make sure to cover that in next time then static gk question asked were 3 and 1 respectively and static gk questions for the first shift were covered all but for the second shift a question was left but i make sure to cover that question also the next time and so that there is nothing left when you are attempting your exam i make sure that all my students who study and who watch my videos who are taking these courses who are studying from these pdfs should not leave a stone unturned and they should attempt all the questions that are being asked in your exam sbi cards and payment service limited इन्होंने अभी किस कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया टू लॉन्च अ टाइटन sbi कार्ड तो वो रहेंगे टाइटन कंपनी लिमिटेड राइट तो sbi कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड ने पार्टनर किया टाइटन कंपनी लिमिटेड के साथ ताकि एक टाइटन एस कार्ड को लॉन्च किया जा सके नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं अभी रिसेंटली हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी वाज इम्पोज ऑन डी बैंक फॉर रूल वायलेशन तो याद रखेंगे अभी रिसेंटली आरबीआई ने मॉनेटरी पेनल्टी इंपोज करी दो बैंक्स के ऊपर एक तो है तमिलनाडु मर्सेंटाइन बैंक एंड दूसरा आपका डीसीबी बैंक तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक पे आरबीआई ने कितनी पेनल्टी इम्पोज की एक करोड़ इकतीस लाख अस्सी हजार रुपये की पेनल्टी और डीसीबी बैंक पर सिक्सटी थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ की यहाँ पे मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज करी तो ये दोनों याद रखेंगे आपको दोनों पता होना चाहिए नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है फिर एम एंड जी एफ क्या है मल्टी कॉम्योडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और जी क्या है जकार्ता फ्यूचर्स एक्सचेंज तो इन दोनों के द्वारा अभी एक एमओ साइन हुआ ताकि रिसर्च नॉलेज शेयरिंग एजुकेशन ट्रेनिंग अवेयरनेस क्रिएशन मार्केट डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के बीच में कोलैबोरेशन हो सके और दोनों मिलकर आगे बढ़ सकें एम की बात करें तो ये इंडिया का पहला फर्स्ट लिस्टेड नेशनल लेवल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज एंड लीडिंग एक्सचेंज रहेगा इन द कॉमोडिटी डेरेवेटिव मार्केट सेगमेंट और जी की बात करें तो ये पहला फ्यूचर एक्सचेंज है इंडोनेशिया का ठीक है और इन दोनों के पार्ट बीच में भी एक एमओयू साइन किया गया नेक्स्ट आ जाते हैं फिर हैज सिलेक्टेड फॉर सरस्वती सम्मान 2023 तो सरस्वती सम्मान के लिए कौन सम अभी सेलेक्ट किए गए वो है प्रभाव वर्मा राइट इनकी पोयम ये एक पोएट है और इनकी पोयम रुद्रा सात्विकम राइट रुद्रा सात्विकम राइट इस पोयम के लिए यहाँ पे प्रभा वर्मा को भी सेलेक्ट किया गया फॉर सरस्वती सम्मान ये थर्टी थर्ड रेसिपिटेंट रहेंगे आई रिपीट ये थर्टी थर्ड रेसिपिटेंट रहेंगे ऑफ दिस अवार्ड करेक्ट के के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इस अवार्ड्स को सम्मानित किया जाता है एंड ये पहले मलयालम वर्क बना दिस बिकम्स द फर्स्ट मलयालम वर्क टू विन अवार्ड आफ्टर ट्वेल्व ईयर्स ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं आप इनको यहाँ देख सकते हैं रला लिटरेर प्रभाव वर्मा अवार्डेड विद सरस्वती सम्मान नेक्स्ट हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ आई इंडियन बैंक एसोसिएशन के अभी चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए मातम वेंकटा राव ये किन को सक्सीड करेंगे अतुल कुमार गोयल को राइट right, ये सक्सीड करेंगे अतुल कुमार गोयल को टू बी द न्यू चेयरमैन ऑफ आई और ये 2023-24 के लिए यहाँ पे अपॉइंट किए गए अतुल कुमार गोयल 22-23 के लिए यहाँ पे अपॉइंट किए गए थे नेक्स्ट पे आते हैं आप यहां पे देख सकते हैं मातम वेंकटा राव सर को नेक्स्ट आ जाते हैं फिर किरण रिजिजू इन्होंने एडिशनल चार्ज लिया एज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं राइट right? किरण रिजिजू इनको ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस के हैं एंड इनको यहाँ पे एडिशनल चार्ज दिया गया ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ पशुपति कुमार पारस नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा इनको नेम किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए मोहम्मद मुस्तफ़ा ये मोहम्मद मुस्तफ़ा किन को रिप्लेस करेंगे तो ये रिप्लेस करेंगे मोहम्मद मोहम्मद सत्या को राइट मोहम्मद सत्या को इन्होंने रिप्लेस किया टू बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी नेक्स्ट आ जाते हैं प्रभावो सुबियंतो ये नए प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं इंडोनेशिया के राइट प्रोबावो सुबियांतो ये किन को रिप्लेस करेंगे इन्होंने रिप्लेस किया जोको विडोडो को जोको विडोडो को एंड याद रखेंगे प्रोबोवो सुबियांतो ये एट्थ प्रेजिडेंट बन गए हैं इंडोनेशिया के नेक्स्ट आ जाते हैं फिर एक्विजिशन एंड मर्जर्स पर एच बैंक ने भी क्लोज किया मतलब सेल किया अपना 1.15 बिलियन डॉलर स्टेक इन एजुकेशन फॉर्म आम जो कि है एच डी एफ सी क्रेडिलिया एच क्रेडिलिया क्या है ये एजुकेशन लोन्स प्रोवाइड कराती है राइट एंड इन्होंने अपना 1.15 बिलियन डॉलर का स्टेक सेल करा इन एच डी एफ क्रेडिलिया एच बैंक के सी कौन रहेंगे जगदीश शशिधर जगदीशन नेक्स्ट पे आ जाते हैं सी एस आई आर एन आई आई एस टी तो सी एस आई आर आर है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एन आई आई एस टी का है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटर डिसिप्पलिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्होंने अभी एक एमओ यू साइन किया विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर के साथ टू स्केल अप द रिसर्च एंड डिलीवरी ऑफ स्ट्रेटेजिकली एडवांस मटीरियल्स फॉर इंडियन स्पेस प्रोग्राम मतलब जो भी एप्लीकेशन में जैसे जो भी आपके कंपोनेंट्स जो भी आपका प्रोडक्ट रिक्वायर्ड होता है उसके सप्लाई के लिए उसके डिलीवरी के लिए ताकि उसको हम इंडिया में भी इनहाउस बना सकें और वहीं से हम उसको यूज़ कर सकें इंपोर्ट हमें ज़्यादा ना कराना पड़े इसीलिए यहाँ पे सी एस आई आर एन एस एफ आई एन आई आई एस टी ने मोयू साइन किया विक्रम सारा स्पेस सेंटर के साथ टू तो सेटअप और टू तो स्केल अप द एडवांस मटेरियल फॉर स्पेस मिशन नेक्स्ट आ जाते हैं यस बैंक इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स मार्क करके चलेंगे यस yes बैंक ने भी पार्टनर किया आई ओ ए के साथ फॉर पेरिस ओलंपिक्स 2024 हजार नेम्ड ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर फॉर टीम इंडिया राइट आई रिपीट यस बैंक इन्होंने पार्टनर किया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ एंड ये ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बन गए हैं टीम इंडिया के लिए फॉर द पेरिस ओलंपिक गेम्स दो में जो अभी छब्बीस जुलाई से ग्यारह अगस्त तक होंगे पेरिस फ्रांस में नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड पोएट्री डे 21 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड पोएट्री डे एंड इट इज टू सपोर्ट द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी थ्रू पोइटिक एक्सप्रेशन अक्रॉस कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस राइट फिर ये दो में हमने इसका 25वां एडिशन ऑब्जर्व किया एंड दर इज अ थीम जो आपको याद रखनी पड़ेगी जो है स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जॉइंट आई रिपीट स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जाइंट ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड पोएट्री डे की नेक्स्ट पे आ जाते हैं वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 21 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम दो हजार चौबीस में हमने इसका थर्टींथ एडिशन ऑब्जर्व किया आन इसी की एक थीम है जो आपको याद रखनी है एंड द आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे की नेक्स्ट दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अब आ जाते हैं कोई वन लाइनर रिविजन पे ग्रेड इंडिया इन इनको ग्रांट किया गया मिनी रत्ना कैटेगरी वन स्टेटस बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर एम ने इश्यू की गाइडलाइंस टू सेटअप ग्रीन हाइड्रोजन हब्स इन इंडिया सी ने साइन किया एम विद आई आई ऑन ए आरबीआई ने इशू किया ओमनीबस फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्नाइजिंग एसआरओ फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज डी बैंक इंडिया इन्होंने अनाउंस किया टू मिलियन डॉलर का लैंडिंग सपोर्ट फॉर स्टार्टअप्स एंड न्यू न्यू इकोनॉमिक कंपनीज मतलब न्यू स्टार्टअप्स के लिए एस कार्ड एंड टाइटन के द्वारा लॉन्च किया गया टाइटन एस कार्ड आर ने इम्पोज की मोनिटी पेनल्टी ऑन टी एम बी एंड डी सी बी बैंक फॉर रूल वायलेशन एम सी एक्स एंड जी एफ एक्स दे इंग डन एम ओ यू फॉर नॉलेज शेयरिंग एंड रीजनल डेवलपमेंट एंड प्रभा वर्मा को सिलेक्ट किया गया फॉर सरस्वती सम्मान 2023 मातम वेंकटा राव इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ आई फॉर दो हजार चौबीस किरण रिजिजू टुक एडिशनल चार्ज एज यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मोहम्मद मुस्तफा नेम्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पैलेस्टिनियन अथॉरिटी इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया एच बैंक एफ 1.15 बिलियन क्लोजेस स्टेक इन एजुकेशन फाइनेंस बिलियन डॉलर टेक इन एजुकेशन फाइनेंसिया सी एस विद वीएसएससी एनआईआई टू स्किल एडवांस मटेरियल्स फॉर स्पेस मिशन येस बैंक ने पार्टनर किया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ फॉर पेरिस ओलंपिक गेम्स एंड ये ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बन गए टीम इंडिया के वर्ल्ड पोएट्री डे 21 मार्च एंड वर्ल्ड डाउन सिंह डे 21 मार्च को तो दोस्तों ये थे हमारा आज का सेशन डू

नेक्स्ट आ जाते हैं हु रिसेंटली अवार्डेड विद द द वाइस फॉर एजुकेशन 2023 कतर फाउंडेशन एट किन को सम्मानित किया गया अभी, से? वो है सफीना हुसैन राइट right? सफीना हुआ पर अभी ऑनर किया गया वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन से करेक्ट एंड ये सफीना हुसैन याद रखेंगे ये फाउंडर एंड बोर्ड मेंबर हैं ऑफ एजुकेट गर्ल्स की करेक्ट इनको कब सम्मानित किया गया इलेवेंशन हुई करेक्ट एंड उसके दौरान इनको यहां पर सम्मानित किया गया नेक्स्ट विच स्टैच्री बॉडी या रेगुलेटरी बॉडी ने अभी रिसेंटली अवॉर्ड किया इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन का विजन जीरो अवार्ड आई एस एस ए के द्वारा अवार्ड दिया गया कौन सा अवार्ड दिया गया विजन जीरो अवार्ड दिया गया किन को दिया गया यह पूछा जा रहा है तो ई एस आईसी को दिया गया ई एस आईसी स्टेट इंश्योरेंस इंश्योरेंसोरेशन को यहां पे सम्मानित किया गया है करेक्ट एंड किसके दौरान सम्मानित किया गया ड्यूरिंग दी थर्ड वर्ल्ड कांग्रेस ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क करेक्ट जो सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में हुई थी उसके दौरान ई एस आई सी को यहां पे विजन जीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया नेक्स्ट विच वर्ड हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द वर्ड ऑफ द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री बाई ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इन दिसंबर तो रेज को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है एज द वर्ड ऑफ द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री बाई ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा रेज क्या होता है बेसिकली स्टाइल आपका रेज क्या है आपका स्टाइल क्या है करेक्ट आपकी आउट क्या है मतलब आउटलुक मतलब आप कैसे कपड़े पहनते हैं आपका स्टाइल क्या जाता है करेक्ट आपकी चाम क्या आ जाता है आपका अट्रैक्टिवनेस क्या आ जाता है तो उसके हिसाब से ये यह यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट आ जाता है हाउ मेनी हेरिटेज साइट्स फ्रॉम मध्य प्रदेश वर इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस टेंटेटिव लिस्ट तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में अभी कितनी हेरिटेज साइट्स ऑफ मध्य प्रदेश ऐड की गई तो छः मध्य प्रदेश की हेरिटेज साइट्स को भी टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट अगर बात करें कौन सी ये छह साइट रहेंगी ग्वालियर फोर्ट खूनी बंदारा भोजेश्वर महादेव टेम्पल रॉक आर्ट साइट्स ऑफ चंबल वैली हिस्टोरिक असेंबल ऑफ दामनर धामनर एंड गॉन मोमेंट्स ऑफ गॉन मोनूमेंट्स ऑफ रामनगर तो ये वो छः साइट्स हैं जिनको भी टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया एंड एज़ ऑफ मार्च इंडिया की 57 साइट्स हैं इन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ हेरिटेज साइट्स इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट बिगेन ऑपरेशन इन विद स्टेट तो अरुणाचल प्रदेश में याद रखेंगे इंडिया का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए रीजन बिंग क्या है इंडिया सेल्फ सफिशिएंट होना चाहता है ऑयल पाम प्रोसेसिंग में ऑयल पाम प्रोडक्शन में एंड हमारी इंडिया की जो नीड है हम अब खुद को खुद से ही हम इसको मीट करना चाहते हैं राइट चलिए ना कि हम इस पर दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट रहे इंपोर्ट पर नेक्स्ट आ जाते हैं फिर फार्मर्स एनरोलमेंट इन फसल बीमा स्कीम इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंट इन फिजिकल ईयर 24 तो फिजिकल ईयर 24 में जो एनरोलमेंट है फसल बीमा योजना का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि 2016 में लॉन्च की गई थी इसके अंडर जो फार्मर्स का पार्टिसिपेशन है वो इंक्री पार्टिसिपेशन भी नहीं जो एनरोलमेंट है फार्मर्स का वो सत्ताईस से बढ़ गया है करेक्ट अगर हम देखें तो मतलब इसके अंडर ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स फसल बीमा योजना का फायदा उठा सक रहे हैं एंड इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो जो लोग हैं जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर्स की बात करें तो 56.8 करोड़ फार्मर्स ने यहां पे रजिस्टर किया एनरोल किया है अंडर दिस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड तेईस करोड़ फार्मर्स ने यहां पे इसके क्लेम्स भी ले चुके हैं राइट right? और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है थर्ड लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम रहेगी इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम एंड इसको 2016 में लॉन्च किया गया था पीएम मोदी के द्वारा नेक्स्ट इंडिया का पहला इंडोर एथलेटिक सेंटर वॉज ओपन कहाँ पर तो ये कलिंगा स्टेडियम में था एट कलिंगा स्टेडियम ये कलिंगा स्टेडियम कहाँ है ये है उड़ीसा स्टेट में राइट एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा नवीन पटनायक के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया राइट right? एंड ये जो स्टेडियम ये है ये सेंटर है फर्स्ट इंडोर एथलेटिक सेंटर 120 करोड़ की लागत से इसको बनाया जाएगा यहाँ पे आप देखेंगे इंडोर ड्राइविंग सेंटर भी है जो कि आपका स्विमिंग पूल रहेगा जो कि टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल है इंडियन एयरफोर्स ने अभी एक एयरक्राफ्ट की मदद से या फिर हम बोलें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मदद से एक एयर ड्रॉप किया इंडिजिनियसली बिल्ट प्लेटफॉर्म का ये जो प्लेटफॉर्म रहेगा बेसिकली ये आपके कहीं पे भी एयर ड्रॉप करने के सामान को पहुंचाने के काम आएगा राइट इस एयर ये जो प्लेटफॉर्म जो एयर ड्रॉप करा गया था ये प्लेटफॉर्म ये किसके द्वारा बनाया गया है ये बनाया गया है एडीआरडी एडीआरडी क्या है ये एक आम है डी आर डी ओ का जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट आम रहेगा डीआरडीओ का राइट तो कमिंग बैक ये जो प्लेटफॉर्म है किसके द्वारा एयर ड्रॉप करा गया एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मदद से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का नाम रहेगा सी सेवनटीन तो ये इंडियन एयरफोर्स का सी सेवनटीन एयरक्राफ्ट है जिन्होंने सक्सेसफुली एयर ड्रॉप किया एक बिल्ट प्लेटफॉर्म ये बिल्ट प्लेटफॉर्म बनाया गया था एडीआर के द्वारा जो कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब है ऑफ डीआर डी एंड फर्दर अगर हमें कभी भी ऑपरेशन में जरूरत पड़ी एयर ड्रॉप की तो ये सी सेवनटीन एयरक्राफ्ट और ये प्लेटफॉर्म काफी काम आएगा टू डिलीवर द प्रोडक्ट्स विच कंट्री साइंड ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू सेवन मिलियन डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट अग्रीमेंट विद एक्सिम बैंक फॉर एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट कौन से एयरक्राफ्ट प्रोक्योर किए जाएंगे दो करे जाएंगे एंड यह है डॉर्नियर टू एयरक्राफ्ट सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है यही श्रीलंका को इंडिया ने गिफ्ट दिए थे कमिंग बैक किस कंट्री ने ये साइन किया ट्वेंटी मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट विद इंडिया के एक्सिम बैंक के साथ वो है गायना ठीक है And ये एयरपोर्ट कौन ये एयरक्राफ्ट कौन बनाएगा हिंदुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड के द्वारा डिलीवर किए जाएंगे किन्होंने रिसीव किया पी वी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर फिलंथ्रॉफी फिलेंथ्रॉफी होती है जो डोनेशन करते हैं अच्छे काम करते हैं आन रतन टाटा जी को यहाँ पे सम्मानित किया गया पीवी वी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से फॉर फिलेंथ्रॉफी इनकी जो फिलेंथ्रॉफिक इनिशिएटिव्स हैं हर सेक्टर में आपको देखने को मिलेंगे हेल्थ एजुकेशन रूरल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड सो ऑन इवन इन्होंने असम में अभी रिसेंटली इंडिया का पहला या फिर हम बोलें नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला सेमी कंडक्टेड मैनुफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने की बात की इन असम इसके अलावा दो और प्लांट आएंगे वो कहाँ पर रहेंगे गुजरात में साइंस एंड टेक पे आते हैं अभी इंडिया के द्वारा टेस्ट किया गया एक 1500 हॉर्स पावर का मेन बैटल टैंक इंजन राइट और ये जो मेन बैटल टैंक इंजन है बी फैसिलिटी पे टेस्ट किया गया एट माइसोर कर्नाटका ठीक 1500 सौ हॉर्स पावर रहेगा इस टैंक टे... इंजन का ये जो टैंक इंजन है काफी रफ एंड टफ है इवन एट माइनस फिफ्टी डिग्री सेल्सियस एंड 55 डिग्री सेल्सियस हीट में भी ये एक्सट्रीम वेदर्स में भी ईजिली वर्क कर पाएगा ठीक है एंड इस इंजन की मदद से जो पावर रहेगी अर्जुन एम के वन टैंक की उसमें बहुत ज्यादा बढ़ावत देखने को मिलेगी बी ई एम एल की बात करें तो शांतनु रॉय चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे हेडक्वार्टर बैंगलोर कर्नाटका एंड नाइनटीन सिक्सटी फोर में इसको, इसको इस्टेब्लिश करा गया था ठीक है एंड बी ई एम एल क्या होता है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड नेक्स्ट नेम द हु हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्रीज नाइलॉम प्राइज फॉर एजुकेशन ये जो नाइलॉम प्राइज है ना बेसिकली ये प्राइज दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री केमिस्ट्री एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए तो अभी किन को सम्मानित किया गया है नाइलॉन प्राइज से वो है सविता लड़ागे, करेक्ट इनको ये प्रोफेसर है होमी बाबा रिसर्च सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है इनको यहां पे सम्मानित किया गया नाइलॉन प्राइस से ठीक है एंड इसी के साथ साथ पांच हजार ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग से भी इनको यहाँ पे एज अ कैश प्राइस दिया जाएगा नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हैव रिसेंटली ऑनर्ड विद द इंदिरा गांधी डेवलपमेंट फॉर दो हजार तेईस कौन है वो डैनियल बेरन बोहिम एंड अली अबू आवद इन दोनों को यहाँ पर अभी रिसेंटली याद रखेंगे ऑनर किया गया इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिस आर्मेंट एंड डेवलपमेंट के लिए करेक्ट एंड बेसिकली क्या है ये एक्टिविस्ट हैं एंड सोशल वर्क के लिए इनको यहाँ पे पीस को बढ़ावा देने के लिए इन लोगों को यहाँ पे इंदिरा गांधी पीस प्राइज से सम्मानित करा गया नेक्स्ट जोकोविच ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं एंड ये भी मेंस आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियन डिक्लेयर किए गए 2023 के करेक्ट फॉर विच टाइम फॉर एथ टाइम वहीं पे अगर वीमेन की बात करें आई टी एफ आई वर्ल्ड चैंपियन दो की कौन रहेंगी हरियाणा शिवलंका ये बेलारूस से बिलोंग करती है एंड इनका ये फर्स्ट टाइम है ये दिस टाइटल। करेक्ट तो रहेगा श्रीलंका जो कि सर्बिया से हैं रहेगा जो कि बेलारूस से है नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे अभी इंडियन नेवी ने कमीशन किया आई एन एस जटायू ये कहां पर किया गया मिनीकॉय मिनिकॉय क्या है मिनिकॉ एक आइलैंड है लक्षद्वीप में और हम जानते हैं अभी मॉरिशियस से इंडिया और का काफ़ी ज़्यादा रिलेशन ख़राब चल रहे हैं एंड इवन वहाँ पर चाइना की फोर्सेस को सेटअप करने की बात की जा रही है तो इसी के काउंटर में इंडिया ने लक्षद्वीप पर आईएनएस जटायु को यहां पे कमीशन किया है अभी रिसेंटली करेक्ट ये आईएनएस जटायु फिर दूसरी चीज़ याद रखेंगे इंडिया का पहला एमएच सिक्सटी आर सी हॉक एक हेलीकॉप्टर रहेगा इसको कोची केरला में यहां कमीशन किया गया तो दो चीज हो गई अभी इंडियन नेवी ने कमीशन किया आईएनएस जटायु को मिनिकॉय आइलैंड्स पे जो कि लक्षद्वीप में है एंड इन्होंने एक और चीज कमीशन की वो है एम एच सी हॉक हेलीकॉप्टर कोची केरला में मूविंग ऑन नेक्स्ट पे आते हैं यूके के द्वारा भी ड्रैगन फायर ये एक तरीके का लेजर वेपन है फर्स्ट एवर लेजर वेपन जिसका नाम रखा गया ड्रैगन फायर किस कंट्री का रहेगा यूके का रहेगा दस सेकेंड तक फायर करने के लिए इसको अप्रॉक्सिमेटली हज़ार रुपये तक का खर्चा आएगा आन इससे आपकी आर्मी आन जो नेवी है और आर्मी नेवी एज वेल एज एयरफोर्स इनकी तीनों स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी क्योंकि इससे इजीली आप किसी भी ड्रोन को टारगेट कर सकते हैं एंड उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हवा में करेक्ट एंड यूके की रहेगी याद रखेंगे ये फर्स्ट एवर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन करेक्ट एंड इसका नाम रहेगा ड्रैगन फ्लाई और ड्रैगन फायर मूविंग ऑन मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज इन्होंने अभी किस आईआईटी के साथ पार्टनर किया ताकि हमारा जो ऑटोमोटिव सेक्टर है एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर है इसको ग्रो किया जा सके इसमें ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट लाई जा सके एंड नई टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट किया जा सके नई मशीन को लाया जा सके ताकि ज्यादा से ज्यादा बेटर डेवलपमेंट हो सके तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने यहाँ पे आई रुड़की के साथ टाइप करा करेक्ट और इस पार्टनरशिप के अंडर हम देखेंगे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक्सीटअप किया जाएगा एट आईआईटी रुड़की ओनली जो कि आपका इंडस्ट्री एक्सेलरेटर की तरह काम करेगा एंड यहां पर इस इंडस्ट्री को ऑटोमेटिव इंडस्ट्री को एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को बूस्ट करने का काम करेगा हु हैज रिसेंटली हुई एज द टाइम्स मैगजीन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री पर्सन ऑफ द ईयर एंड बिकेम द फर्स्ट वीमे टू अपियर ट्वाइस ऑन द पर्सन ऑफ द ईयर कवर तो वो रहेंगी टेलर स्विफ्ट ये एक सिंगर हैं काफी फेमस सिंगर हैं राइट एंड इनको रिकॉग्नाइज किया गया टाइम मैगजीन 2023 ट्वेंटी पर्सन ऑफ द ईयर एंड ये वो पहली वीमेन बनी जो कि अपियर कर रही हैं ट्वाइस ऑन द पर्सन ऑफ द ईयर कवर पर नेक्स्ट हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द नेशनल अवार्ड फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ दिव्यांगन अंडर द कैटेगरी बेस्ट पर्सनैलिटी एमपावरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड बाय द्रौपदे मुर्मू प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कौन है वो वो रहेंगे आपके बताइए प्रशांत अग्रवाल राइट right. प्रशांत अग्रवाल ये आपके बेसिकली प्रेसिडेंट हैं नारायण सेवा संस्थान के जो कि उदयपुर में है राजस्थान में करेक्ट एंड इनको अभी रिसेंटली इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो कि थर्ड दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है उसके दौरान ऑनर किया गया विद नेशनल अवार्ड फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ दिव्यांगन अंडर द बेस्ट पर्सनैलिटी एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी के अंडर नेक्स्ट च वर्ड हेज बिन सेलेक्टेड एज द वर्ड ऑफ द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री बाई द कैमब्रिज डिक्शनरी इन दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो अभी हमने देखा था ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा रेज को सेलेक्ट किया गया था एंड कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा हेलुसनेट वर्ड को यहां पर सेलेक्ट किया गया है एज द वर्ड ऑफ द इयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री राइट हेल्युसिनेट होता है मतलब आप भ्रम हो रहा है आपको किसी चीज का नेक्स्ट नेम द एक्टर दैट हैज रिसेंटली ऑनर्ड विद द ऑफिस ऑफ ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक ये इटालियन रिपब्लिक का हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड है एंड अभी वो कौन इंडियन एक्टर हैं जिनको इससे सम्मानित किया गया वो है कबीर बेदी करेक्ट कबीर बेदी को यहाँ पे सम्मानित किया गया ऑर्डर ऑफ ऑफिसर ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक करेक्ट इटली और इंडिया के बीच में रिलेशन बढ़ावा को बढ़ावा देने के लिए जो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है इससे नेक्स्ट तिरयानी ब्लॉक किस स्टेट का ये तिरयानी ब्लॉक किस स्टेट में है जिसने भी फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करी टॉप पोजीशन सिक्योर करी इन नीति आयोग के एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में ये जो नीति आयोग का एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है ना याद रखेंगे ये दो हज़ार तेईस में जनवरी के महीने में लॉन्च किया गया था एंड इसका एम क्या है कि जो ब्लॉक्स हैं अंडर डेवलप्ड ब्लॉक्स हैं उनको यहाँ पे ग्रो करा जाएगा उनको डेवलप किया जाएगा उनमें डेवलपमेंट ली जाएगी जो अंडर डेवलप्ड ब्लॉक्स हैं करेक्ट एंड यहाँ पर तिरयानी ब्लॉक ये कौन सी स्टेट का है ये तेलंगाना स्टेट में है जिसने यहाँ पर टॉप किया इन दिस एस्परेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में नीति आयोग नेक्स्ट आ जाते हैं फेयरफेक्स इंडिया ने प्रोवाइड किया लिक्विडिटी सपोर्ट ऑफ हाउ मच अमाउंट टू आई फाइनेंस तो फेयरफेक्स इंडिया सबसे पहले याद रखेंगे ये पंद्रह परसेंट होल्ड करते हैं आई फाइनेंस में एंड अभी रिसेंटली फेयरफेक्स इंडिया ने 200 मिलियन डॉलर का यहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड कराया लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड कराया टू आई फाइनेंस क्यों क्योंकि अभी आर ने इनको बोला कि ये कोई भी यहाँ पर जो गोल्ड लोन है वो नहीं दे पाएंगे कोई भी नया गोल्ड लोन सैक्शन नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट आ जाते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक इन्होंने भी किस कंट्री के साथ एक प्रोटोकॉल साइन किया फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी तो वो है हमारा इंडिया इंडिया एंड डोमिनिक रिपब्लिक के बीच में ये प्रोटोकॉल साइन किया गया ताकि जो ट्रेड है उसको बढ़ावा दिया जा सके राइट इसके अंडर जो दो, दोनों कंट्रीज के बीच में बीच में जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशन है उसको बढ़ावा देने का ये काम करता है एंड इंडिया में इंडिया दो में इंडिया और डोमिनिक रिपब्लिक के पच्चीस साल पूरे हो गए थे ऑफ डिप्लोमैटिक रिलेशंस इसको भी सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर ये प्रोटोकॉल साइन किए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा बेटर ट्रेड इंडिया में और इन दोनों के बीच में हो सके एक एडिशनल न्यूज याद रखेंगे इंडिया डोमिनिक रिपब्लिक से क्या इम्पोर्ट करता है गोल्ड और इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है डोमिनिक रिपब्लिक को जैसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मरीन प्रोडक्ट्स मोटर व्हीकल्स टू थ्री व्हीलर्स राइट ये सब जाते हैं टू डोमिनिक रिपब्लिक और इंडिया लेता क्या है डोमिनिक रिपब्लिक से गोल्ड नेक्स्ट स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो अभी बहरेन ग्रैंड हुई थी किसने जीती मैक्स वर्स्टन ने जीती जो कि रेडबुल के ड्राइवर है सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं सर्जियो परेस ये भी रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं और थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं कार्लोस सेंस ये फरारी के लिए ड्राइव करते हैं राइट right, तो आप पिक्चर में देख सकते हैं मैक्स वर्स्टन इन्होंने ओपनिंग ग्रैंड बहरीन ग्रैंड पिक्स को भी जीत लिया है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज छटा जन औषधि दिवस सात मार्च को ऑब्जर्व किया गया जन औषधि दिवस को ही हम जेनरिक मेडिसिन डे के नाम से जानते हैं सात मार्च को ऑब्जर्व किया गया था और इसका छठा एडिशन अभी हमने ऑब्जर्व किया है एंड जो जेनरिक मेडिसिन हैं उनके बारे में हाईलाइट अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए एंड उनके बेनिफिट्स को बताने के लिए लॉन्च किया गया एंड इसको प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंडर यहाँ पे लॉन्च किया गया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी जेनरिक मेडिसिन है उनका यूज़ बढ़ा सकें तो सात मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं छठा जन औषधि दिवस नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है स्टेट की न्यूज के बारे में तो अभी ब्रजेश मेहरोत्रा इनको अपॉइंट किया गया एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार राइट 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर को अपॉइंट किया गया चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार विद इफेक्ट फ्रॉम ऑफ मार्च 2024 ये सक्सीड करेंगे किनको आमिर सुबह को जो कि नाइनटीन बैच के आई ऑफिसर थे इंडियन एयरफोर्स ने अभी एक एयरक्राफ्ट की मदद से या फिर हम बोले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मदद से एक एयर ड्रॉप किया इंडीजीनियसली बिल्ट प्लेटफॉर्म का ये जो प्लेटफॉर्म रहेगा बेसिकली ये आपके कहीं पे भी एयर ड्रॉप करने के सामान को पहुंचाने के काम आएगा राइट इस ये जो प्लेटफॉर्म जो एयर ड्रॉप करा गया था ये प्लेटफॉर्म ये किसके द्वारा बनाया गया है ये बनाया गया है एडीआरडी ए डी आर डी क्या है ये एक आम है डी आर डी ओ का जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट आम रहेगा डी आर डी ओ का राइट तो कमिंग बैक ये जो प्लेटफॉर्म है किसके द्वारा एयर ड्रॉप करा गया एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मदद से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का नाम रहेगा सी सेवनटीन तो ये इंडियन एयरफोर्स का सी सेवनटीन एयरक्राफ्ट है जिन्होंने सक्सेसफुली एयर ड्रॉप किया एक बिल्ट प्लेटफॉर्म ये बिल्ट प्लेटफॉर्म बनाया गया था एडीआरडी के द्वारा जो कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब है ऑफ डीआरडीओ एंड फर्दर अगर हमें कभी भी ऑपरेशंस में जरूरत पड़ी एयर ड्रॉप की तो ये सी सेवनटीन एयरक्राफ्ट और ये प्लेटफॉर्म काफी काम आएगा टू डिलीवर द प्रोडक्ट्स नेक्स्ट आ जाते हैं फिर विच बैंक ऑफर्स लाइट सेविंग अकाउंट विद लाइफटाइम जीरो बैलेंस फीचर मतलब आपको फ्यूचर नहीं फीचर कौन सा बैंक है जो कि आपको जीरो बैलेंस का ऑफर दे रहा है कि आपको अपने सेविंग अकाउंट में लाइफटाइम आप जीरो बैलेंस रख सकते हैं वरना काफी बैंक ये अलाउ नहीं करते हैं आपका फिर कुछ चार्ज कटता है तो वो रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा राइट इन्होंने लाइफटाइम जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट लॉन्च किया गया बस यहां पर आपको क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा अगर आप मेट्रो या अर्बन एरियाज में रहते हैं तो तीन में हैं तो एंड अगर आप रूरल ब्रांचेज में रहते हैं तो आपको हजार रुपए क्वार्टरली बैलेंस पे एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा राइट एंड अकाउंट होल्डर को अलाउ करता है टू विदड्रॉ अपिफ्टी थाउजेंड रुपीज पर डे दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड यू कैन फॉलो अस ऑन द YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided that is seven six double seven triple Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle that is Affairs Cloud underscore official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support at the rate of And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.